बुद्ध की भूमि भारत विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है और जब भी हम भारत आते हैं तो भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कर ऐसा महसूस होता है कि यह जन्म सार्थक हो। भंते डॉली ने उस समय कहा कि नासिक में त्रिश्रिश्मी बुद्ध गुफा और बौद्ध स्मारक का दौरा किया और गुफाओं को देखने के बाद हम बहुत प्रभावित हुए। नासिक के त्रिश्रिश्मी बुद्ध गुफा बौद्ध स्मारक पर दक्षिण कोरिया से सिस्टम मंडल के पहुंचने पर नासिक के बौद्ध अनुयायियों ने फूलों से उनका स्वागत किया है। प्रतिनिधि मंडल ने बौद्ध स्मारक में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। इसके बाद श्रीलंका से लाया गया ऐतिहासिक 2500 वर्ष पुराना बौद्ध वृक्ष को प्रणाम किया है। इसके बाद पूर्व न्यायाधीश अनिल वैद, मिलिंद बंसोड़ी, अनिल गायकवाड़ ने प्रतिनिधिमंडल को पंचशील गमछा और स्मृति चिन्ह का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे हैं।아잔타 석굴 비롯해서 오늘 석굴 보았습니다만 이쪽 지역을 꼭 한번 와보고 싶은 기만을 가졌었는데 오늘 여기 이렇게 왔고 그래서 정말로 큰 깊은 인상을 받고 또 여러분 뵙게 돼서 정말로 정말 너무너무 좋다는 말씀을 드립니다. 프라테 코리안 못한마디 바르타기시 아빠르 아들은 이제 좁다나 두다 바에 바르타 가에 라틴 भारताचे विचार करतात की आपले पाय भारताकडे नसावेत तर प्रत्येक बुद्धाला असं वाटतं वेळ मिळाली तर मी बुद्धगयेला जाईन आणि तिथे जाऊन तथागताने काय काय केलं कुशीनगर सारनाथ तुम्हाला सगळंच माहित असेल ना। हा तर मग कोरियन्सना आपल्याविषयी जास्त माहिती आहे आणि त्यांना असं वाटलं की मी ते करावं आणि त्यांनी तो पिलग्रिमेज केला